Since we were talking about the components of informed consent, there are some additional elements of informed consent which may be required by certain uh, statutory bodies. For instance, depending upon the nature of the research and the risk involved, institutional review boards may evoke additional regulatory requirements, and they could be, for instance, number one, a statement that any significant new findings that might relate it to participants. विलिंगनेस टू टेक पार्ट इन द स्टडी विल बी प्रोवाइड टू दैम फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछा चाह रही है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द स्टडी क्या होगी इसमें पार्टिसिपेट करने से एक पार्टिसिपेंट जो है उसको ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा होगा या उसके क्या गेंस हो सकते हैं पॉसिबल कि वो इस रिसर्च में आ, बहुत विलिंगली जो है वो पार्टिसिपेट करे तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का ये इख्तियार है कि वो ये सवाल पूछने के लिए इनफॉर्म कंसेंट में ये क्लास जो है वो एडिशनली uh, डलवा सकता है देन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कास्ट डेट अ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट माइट इनक्योर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन टू सपोर्ट ग्रुप और चाइल्ड केयर कॉस्ट अब अगर हम कोई ऐसे रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हमने किसी स्पेशल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया हुआ है और लेट्स हमने एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर से जो है वो कुछ बच्चों को लेकर आना है उसे किसी एक्टिविटी का पार्ट बनाना है उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है तो क्या पार्टिसिपेंट्स कोई कॉस्ट भी बियर करे या उनका इदारा कोई कॉस्ट बियर रहा है और अगर कर रहा है तो उसको भी इंफॉर्म uh, कंसेंट के अंदर जो है वो स्पेल आउट किया जाए अ स्टेटमेंट दैट मे बी फॉर सी एबल रिस्क फॉर एग्जाम्पल द रिसर्च इन्वॉल्विंग मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स प्राइमरिली फॉर बायो मेडिकल रिसर्चर दिस इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू फॉर सोशल रिसर्चर बट फॉर बायो मेडिकल रिसर्चर देर आर सर्टन सिचुएशन जिसके अंदर बायोमेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पेश आ सकती है और उनके बारे में जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो भी देना इनफॉर्म कंसेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम द स्टडी लेट से अगर वो ड्रॉ विदड्रॉ करता है और हम उसको कोई कम्पनसेशन दे रहे हैं तो आइदर दैट कम्पनसेशन इज गोइंग टू बी इफेक्टेड अगर हम उस स्टडी की कोई बहुत हाईलाइटेड सिग्निफिकेंस उसको बता रहे हैं तो मे बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रिसर्च वुड बी यू नो एट रिस्क एट कॉस्ट बिकॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स इज विध ड्रॉइंग फ्राम द रिसर्च सो कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जिसमें सैम्पल जो है वो बहुत लिमिटेड बहुत सिक्योर बहुत छोटे साइज में मिल रहा होता है और उसमें से एक पार्टिसिपेंट्स का चले जाना भी बहुत आपके लिए ट्रबल कॉस्ट कर सकता है सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि अगर कोई सेंसिटिव पार्टिसिपेंट है और वो विद्रॉ कर रहा है तो उसकी ये काउंसलिंग ये गाइडेंस ये उसको इंफॉर्मेशन भी दी जाए कि उसका विद्रोल रिसर्च के लिए जो है वो नुकसानदेह होगा इफ़ एन इंस्टीट्यूशन यूज इज अ पार्टिसिपेंट पूल ऑफ स्टूडेंट्स द पार्टिसिपेंट्स विल नीड टू नो अंडर दे विल रिसीव ट्रांसिस पेमेंट एंड इन केस ऑफ विड्रॉल फ्राम स्टडी समटाइम्स कुछ फंडेड प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशलाइज पॉपुलेशन को लिया जा रहा होता है और उनको कुछ कंपनसेटरी अमाउंट भी दी जा रही होती है सो इन काइंड काइंड ऑफ ऑफ वेयर एनी कंपनसेशन वुड बी अश्योर टू बी गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स उनको विदड्रॉल की सूरत में जो नुकसान हो रहा है वो भी उनको इन्फॉर्म कंसेंट में इन एडवांस बताना बहुत ज़रूरी है देन टू इन्फॉर्म कंसेंट कुछ हो सकती हैं जिनकी हम बात करेंगे द पार्टिसिपेंट्स इज इनकेपेसिटेटेड लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी विद इन एडिक्वेट टाइम टू ऑप्टेन कंसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वॉल्ट्री वेव्ड कंसेंट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है अब ये सिचुएशनस कहाँ हमें देखने को मिलती लेट्स ये कि आप देखें कि आप एक सोशल uh, नेटवर्क uh, में हम जब बात करते हैं तो देख वी डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन जहाँ पर हम रिसर्च uh, करे होते आप देखें कि आप फूड uh, प्रेफरेंसेस का सवाल कहीं एक नॉर्मल सन्ियों में लोगों से पूछ रहे हैं जहाँ पर लोग आपको रूटीन में खाने पीने की चीज़ें उन्हें अवेलेबल हैं और उनको कोई इशू नहीं है ताकि वो आपको किसी भी सवाल के जवाब में अपनी uh, जो है वो हंगर की किसी एक्सट्रीम कंडीशन को बता सकें लेकिन अगर वही सवाल आप एक वॉरफेयर में मौजूद इलाके में कर रहे हैं मे बी आप वो जाकर एक ऐसे जोन में करें जहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरह इन in, इन्फेक्ट uh, हैं वॉर जोन से और uh, बहुत इंजरीज हुई हुई हैं वहाँ पर वहाँ पे ये सवाल पूछने के लिए शायद उसकी इंटेंसिटी उसकी नेचर और उसका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट हो जाएगा यही सवाल अगर आप सोमालिया में जाके पूछेंगे जहाँ पर कहत पड़ा हुआ है तो उसके उसका पर्सपेक्टिव बहुत ही मुख्तलिफ और एट टाइम्स मुश्किल हो जाएगा सो वी हैव टू सी कि इन सर्टेन सिचुएशंस मे बी फॉर सर्टेन क्वेश्चनियर्स देर इज़ नो नीड टू टेक इनफॉर्म कंसेंटर हम उनको वहाँ एग्जाम कर सकते हैं दैन चिल्ड्रन एंड इनफॉर्म कंसेंट सो एट टाइम्स जब हम टिपिकली अंडर सेवनटीन की बात करें हैं दे कैनोट प्रोवाइड यू इन्फॉर्म कंसेंट ऑन देअर ओन तो वहाँ पर हम इनफॉर्म कंसेंट की नहीं इनफॉर्म परमिशन की बात करते हैं बिकॉज पेरेंट्स मस्ट परमिट एनी काइंड पार्टिसिपेशन एनी काइंड ट्रीटमेंट इंटरवेंशन दैट आर गोइंग टू बी यूज इन रिसर्च सो जब हम पेरेंट्स से बच्चों के बिहाफ पे कोई भी इन्फॉमेशन जो है वो लेने का कंसेंट ले लेते हैं तो बच्चों से जो हम कंसेंट लेते हैं दैट इज़ ओनली कॉल्ड इंफॉर्म परमिशन तो दीज आर द वेरियस वेज इन विच यू नो वी कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस वेरी इजीली एंड स्मूथली एंड कैन डिसाइड दैट इन सर्टेन सिचुएशंस व्हाट एग्जेंशन वी कैन प्रोवाइड एंड आयर वी आर गोइंग एल्डर्स एंड इन वट सिचुएशन दिल्ड्रेन देर गोइंग